हमारे सामने फिग है, हमारी मदर लेपर्ड मैरी डैडी के साथ। वो चारों तरफ अच्छी तरह चेक कर रही है और उसे करना भी चाहिए क्योंकि वो इस वक्त खुली जगह पर है। तेंदुए ऐसा नहीं करते, वो छुप कर रहते हैं क्योंकि अगर उन्हें किसी ने देख लिया तो सबको चौकन्ना करने के लिए आवाज लगाना शुरू कर देगा जो कि खतरनाक होगा। उसकी पूंछ देखिए, मैरी डैडी की पूंछ जिस तरह तेजी से हिल रही है उससे पता चलता है कि वो थोड़ी सी नर्वस है। वैसे तो फिग सब संभाल लेती है लेकिन कभी कभी नहीं भी संभाल पाती, वो पहले ही अपना एक बच्चा खो चुकी है। फिग इतनी स्मार्ट माँ है कि वो ऐसे ही खुली जगह पर घूमने की गलती नहीं करेगी। तेंदुए ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो छुप कर रहना पसंद करते हैं। वो अपने चित्तीदार कोट के भरोसे रहते हैं जिससे वो झाड़ियों में दिखाई नहीं देते। उनके लिए खुली जगह में आना खतरे से खाली नहीं होता, वो खुले में कभी नहीं जाना चाहते। लेकिन वो ऐसा कर रही है भरी दोपहरी में जबकि इतनी गर्मी है, तो वो इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि मैरी डैडी के साथ घूमने के लिए ये सबसे सुरक्षित वक्त है। मैरी डैडी अभी बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, अगर कुछ हुआ तो शायद वो घबरा जाए। ओ मुसीबत आ गई, बबून्स, और ये एक खतरनाक घड़ी है क्योंकि बबून्स और लेपर्ड्स एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। वो देखिए मैरी डैडी किस तरह से चेक कर रही है, देख रही है कि कौन सा खतरा आ गया। माँ आमतौर पर तो ऐसा नहीं करती। देखिए वो किस तरह पेट को एकदम जमीन से सटा कर चल रही है। फिग को अच्छी तरह पता है कि ऐसे वक्त पर क्या करना है, मतलब जिस तरह से वो बबून से नजर बचाकर दूर जा रही है ये बहुत हद तक विनम्रता है। ये बबून्स के लिए एक संकेत है कि ओके मैं अपने रास्ते जा रही हूँ, और बबून्स को यही तो चाहिए था। और उसके बाद अचानक वो रिलैक्स हो गई, सारा टेंशन खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह से वो अपने बच्चे को चाट रही है उससे ऐसा लगता है कि बच्चे का टेंशन भी कम हो रहा है और मैरी डैडी को बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप फिग और मैरी डैडी को इस तरह के हालात में देखते हैं तो आप खुद को रोक नहीं पाते, बल्कि आपको लगता है कि बस देखते जाएं क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी शिकार या उनका दुश्मन उन्हें देखे। तो हमें ये सब बहुत करीब से देखने को मिल रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। और फिग और मैरी डैडी इस वक्त अपनी ही धुन में मस्त है, जैसे कि हम यहाँ पर हैं ही नहीं। आपको यही तो चाहिए और यही चीज है जिसे देखकर सुकून मिलता है। रॉबर्ट सपोल्स्की ने इन जानवरों के ऊपर एक बढ़िया किताब लिखी है बबून्स के ऊपर, वो इन्हें ऑलमोस्ट ह्यूमन कहते हैं। और जब मैं इन्हें देख रहा हूँ तो साफ नजर आ रहा है कि इनके कई लक्षण बिल्कुल हम इंसानों जैसे हैं। ये बड़े ही आकर्षक हैं। बबून्स को आप गौर से देखें तो एक चीज बड़े कमाल की है और वो ये है, इस उंगली और अंगूठे का आमने सामने होना। वो छांट कर चीजें उठाते हैं, वो बहुत सारी ताजा कोंपले खाते हैं, वो ढेर सारे पेड़ पत्ते खाते हैं और साथ ही कीड़े मकौड़े, रेंगने वाले जीव, पक्षियों के अंडे भी खाते हैं। यानी वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का खाना खाते हैं। इंसानों के समाज की तरह बबून्स भी एक दूसरे से जुड़ने में और दोस्त बनाने में यकीन रखते हैं। वो एक दूसरे के बालों को संवारते हैं। अगर आप एक बबून हैं तो उसी तरह से आप अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकते हैं। शरीर के कई हिस्सों तक आपके हाथ नहीं पहुंच पाते, टिक्स, पैरासाइट्स, थोड़ी बहुत ड्राई स्किन हो जाती है। ये देखिए एक माँ बबून अपने बच्चे की स्किन को साफ कर रही है। जब आप किसी बबून का चेहरा देखें तो उनकी आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, लेकिन ये मत समझिए कि वो ठीक से देख नहीं पाते। वो जरा सी हलचल को रंगों समेत पकड़ लेते हैं, वो पेड़ के ऊपर छुपे हुए तेंदुए को देख लेते हैं और जब वो देखते हैं तो उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। एक बड़ा नर बबून किसी भी तेंदुए को बुरी तरह से डरा सकता है, वो तेंदुए को मार सकता है, और मैरी डैडी जैसे तेंदुए के बच्चे को तो यकीनन ही मार सकता है। बबून्स का हर झुंड अपने आसपास की जगह पर नजर रखता है, यानी अपने घर के आसपास जहां वो रहते हैं। पेड़ उनके लिए आराम करने और सोने की जगह है, और चूंकि वो पेड़ों पर सबसे ऊंची जगह तक चढ़ सकते हैं जहां शेर नहीं जा सकता, इसलिए वो वहां सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ऐसी जगहों पर आकर आप हैरान रह जाते हैं और ये आपको जंगल की एक बड़ी तस्वीर दिखाती है, क्योंकि ये सिर्फ शेर और तेंदुओं को लेकर नहीं है,
ये बबूंस और हाथियों को लेकर है और उन सारी चीजों को लेकर है जो इस जगह को स्पेशल बनाते हैं। यहाँ अनगिनत जानवरों को मौके मिलते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जिंदगी पनपती है। ये सचमुच बहुत ही कमाल की जगह है। मैं इस शानदार परिवार को देखने के लिए वापस आ गया हूँ। यहाँ कभी भी और क्लाउडिया आए हैं और उनके चार छोटे छोटे बच्चे सब साथ में हैं। वो अपनी माँ के साए में महफूज हैं। जरा ध्यान से उन बच्चों की आवाज सुनिए। वो सब मिन्नतें कर रहे हैं, वो सब खाना मांग रहे हैं, वो भूखे हैं, उन्हें दूध चाहिए। ये बच्चे अभी छोटे हैं और सिर्फ दूध पर ही जिंदा हैं। उन्हें बहुत सारा माँ का दूध चाहिए और इन माँओं को देखकर लगता है कि इन्होंने दो दिन से कोई शिकार नहीं किया है। वो बच्चा खाना मांग रहा है, माँ उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहती है। जब बच्चे एक जगह आराम से बैठ जाएंगे तब वो जाकर खाने की तलाश करेंगी, क्योंकि वो भी बहुत भूखी हैं। वाओ, क्लाउडिया बहुत तनाव में लग रही है और कभी भी उन्हें इस वक्त कुछ खाने के लिए चाहिए। उन्हें कैलोरी मिलेगी तभी वो बच्चों को दूध पिला सकती हैं। कभी भी और क्लाउडिया को आखिरकार जो चाहिए था वो मिल गया, वॉर्थॉक्स। अब उन्हें आगे बढ़ना है और दोनों शेरनियां पूरी तैयारी के साथ दबे पांव आगे बढ़ रही हैं। अगर आप गौर करें तो उनकी एक एक मसल तनी हुई है। वॉर्थॉक्स की नाक और कान बहुत तेज होते हैं लेकिन उनकी नजरें कमजोर होती हैं। देखिए उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल रही है, देखिए, अनबिलीवेबल। और वो रुक गई। वॉर्थॉग ने जैसे अपना सिर उठाया वो रुक गई। वॉर्थॉग ने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया और वो फिर आगे बढ़ने लगी। मुझे ये टीम वर्क बहुत अच्छा लगता है। कभी भी देख रही है कि क्लाउडिया क्या कर रही है। यहाँ गजब की भाग दौड़ होने वाली है। दोनों जिस तरह से घात लगा रही हैं, वो देखने लायक है। हॉग देख रहा है, वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या है। हॉग्स को महक आ गई है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ रही है। वॉर्थॉग्स घिर गए हैं और वो भाग निकले। कभी भी को देखिए, वो कितनी तेजी से भाग रही है। वो हॉग्स के बहुत करीब थी। वो बहुत बहुत भूखी हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इन शेरनियों को खाने की सख्त जरूरत है। क्लाउडिया और कभी भी वो उस तरफ जा रही हैं घास में और वहां मुझे दिखाई दे रहे हैं कुछ वॉर्थॉग्स जिन्हें कोई अंदाजा नहीं। आज तो कुछ होकर ही रहेगा। इस वक्त आप कभी भी और क्लाउडिया से नजर नहीं हटा सकते। मुझे उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लग रहा है। क्लाउडिया को देखिए, वो एकदम तेंदुए की तरह आगे बढ़ रही है, बिल्कुल नीचे जमीन से सटकर। कभी भी उस तरफ है और क्लाउडिया इधर, दोनों बहुत ही पास आती जा रही हैं, धीरे धीरे। ये बहुत सही तरीके से शिकार करने वाली हैं। ये क्लाउडिया है जो हॉक्स का पीछा करते हुए उसे कभी भी की तरफ ले जाएगी। एक वॉर्थॉग समझ गया है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो सूंघ रहा है और उसे हवा में खतरे की महक आ रही है। देखते हैं क्या होता है। वाह, वो कितने पास है। और अचानक उन्होंने धावा बोला, लेकिन नहीं, मैं देख सकता हूँ, लगता है वो किसी एक के पीछे है।
वो बहुत तेज दौड़ रही है। वो थकती जा रही है। दोनों बहुत थक गए हैं। वॉर्थॉग बचकर निकल गया, लेकिन ये दौड़ काफी लंबी थी और वॉर्थॉग लकी निकला। क्या दौड़ लगाई है दोनों ने, देखकर मजा आ गया। ये सारी कोशिशें बड़ी कमाल की होती हैं। वॉर्थॉग्स बहुत दमदार होते हैं और बहुत तेज भी। आज वाकई क्लाउडिया और कभी भी ने बहुत मेहनत की। दस बजे से लेकर अभी तक इन शेरनियों ने आराम नहीं किया है। इन्होंने बहुत मेहनत की है और अब इन शेरनियों को एक बार फिर से खाली पेट वापस जाना पड़ेगा। वाकई एक शेर की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। मैं चाहता हूँ कि इनमें इतना दूध तो हो जिसे पीकर इनके बच्चे आज की रात गुजार पाएं।